हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी अ नेक्स्ट एग्जांपल। अब सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर पोलर, और हमें सबका अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। तो हमको सबका मॉलिक्यूल्स का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाना है एंड फिर चेक करना है इफ द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉट। नाउ पोलर का मतलब क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल अगर अगर कहें कि पोलर है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पहली बात तो होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, और उसके मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, और म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। म्यू का मतलब हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, तो जो जनरेट होता है बिकॉज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ही रिलेटेड है वो भी। तो लेट्स सी कि सबका हम म्यू मतलब कि डाइपोल मोमेंट चेक करते हैं। तो सबसे पहले वाटर देखते हैं। तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दो सिग्मा बॉन्ड्स एच एच के और एक लोन पेयर होता है। नाउ इफ अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखें तो हम ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन इनके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो ऑक्सीजन की तरफ फेसिंग टूवर्ड्स ऑक्सीजन हो जाएंगे, एंड यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट कुछ का डायरेक्शन ऐसे होगा ऑक्सीजन की तरफ। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हम देखें तो वो एक वर्टिकली हो जाएगा, आई मीन दिस विल बी द डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम कह सकते हैं कि वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल। और उसका हम एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं तो म्यू 1.840 आता है, 1.84 डीवाई आता है, सॉरी। अब नेक्स्ट देखें NH3 के बारे में। तो NH3 का अगर मॉलिक्यूल देखें तो उसमें हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, और एक लोन पेयर है। तो इसमें भी सेम कहानी, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स नाइट्रोजन रहेगा। तो देयरफॉर अगर इनका इन तीनों का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हम देखें तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे भी इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड करके 1.86 डीवाई आता है, राइट। अब थर्ड मॉलिक्यूल देखें विच इज CO2। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की गैस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में अगर चेक करें तो डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसमें इसमें अगर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करें तो वो SP आता है, कार्बन का SP हाइब्रिडाइजेशन आता है, जिसकी वजह से ये लीनियर हो जाता है, ये मॉलिक्यूल इज लीनियर। तो अगर ये मॉलिक्यूल लीनियर है तो मान लो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ होगी। तो इस वाले ऑक्सीजन के लिए ऐसे डायपोल राइट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगी, और इस वाले ऑक्सीजन के लिए लेफ्ट, एंड बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो वी कैन से कि इट्स लाइक अ फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट फोर्स ऑन कार्बन विल बी ज़ीरो, तो हम बोल सकते हैं द म्यू विल ऑल्सो बी ज़ीरो। तो डायपोल मोमेंट को हम एक फोर्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर म्यू ज़ीरो आ गया तो वी कैन से दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है। नाउ अगर फिर उसके बाद हम देखें SO2। तो SO2 के में क्या कहानी है कि SO2 में वी कैन सी दैट के यहाँ पे सल्फर और दो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ओ बनता है इसमें, राइट, डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ। तो अब अगर यहाँ पे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम चेक करें, और सल्फर के पास एक लोन पेयर भी है, तो दो सिग्मा बॉन्ड्स बन रहा है और एक लोन पेयर बन रहा है, मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, बट उसके पास सिर्फ दो ऑक्सीजन है अटैच होने के लिए, एंड एक लोन पेयर होता है, राइट, एक लोन पेयर है। तो दिस विल बी अ बैंड शेप, SO2 का जो शेप होता है वो बेंट होता है या तो एंगुलर शेप होता है। तो अब अगर ये एंगुलर शेप है, नाउ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर,
ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो इसका जो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो ऑक्सीजन की तरफ होगा और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की तरफ होगा. तो जो नेट डायपोल मोमेंट है दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज नॉट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड उसका जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट आता है, वो म्यू इज इक्वल्स टू 1.60 डी बाई आता है. ठीक है, तो ये भी एक पोलार मॉलिक्यूल है. नाउ CHCl3 देखें, CHCl3 अगर हम देखें तो यहाँ पे एक Cl आ गया, सॉरी ये रॉन्ग है, इसमें Cl CH3 Cl का स्ट्रक्चर बना दिया है. तो कोई बात नहीं, CHCl3 और CH3Cl ये दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम ही हुआ है. तो अगर हम इसमें चेक करें तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं और एक क्लोरीन का बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब इसकी टेट्राहेड्रल शेप है इसका. तो अगर हम चेक करें तो यहाँ पे जो डाइपोल क्रिएट हो रहा है कार्बन और हाइड्रोजन में अगर देखें तो डाइपोल मोमेंट विल बी इन टूवर्ड्स द कार्बन के डायरेक्शन में, राइट, कार्बन के डायरेक्शन में होगा बिकॉज कार्बन इज अ लिटिल बिट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो ये तीनों रिएक्ट मतलब तीनों का जो डाइपोल मोमेंट है वो कार्बन की तरफ होगा और क्लोरीन की वजह से डाइपोल मोमेंट विल बी इन द क्लोरीन के डायरेक्शन बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, राइट. तो अब इन तीनों की वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो ऊपर की तरफ है और क्लोरीन की वजह से भी ऊपर की तरफ है. तो वी कैन से दैट म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, पहली बात तो ये है बिकॉज ऑल द थ्री डायपोल्स एंड द क्लोरीन का डायपोल आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. तो ऊपर के डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट रहेगा, तो विच विल बी 1.86 डी बाई. नाउ अगर फ्लोरीन का चेक करें हम सॉरी BF3 का चेक करें तो BF3 इज ट्राइगोनल प्लेनर बिकॉज दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज बोरॉन इधर. तो अब sp2 हाइब्रिडाइज है तो जो नेट रिजल्टेंट होगा F और F का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब ये रिजल्टेंट जो दोनों फ्लोरीन का होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एंड द सेम मैग्नीट्यूड ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. तो द नेट फोर्स या नेट आई मीन डायपोल मोमेंट ऑन बोरॉन विल बी जीरो, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इसका म्यू जीरो हो जाएगा एंड वी कैन से दैट दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ओके, थैंक यू.